हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी सहेलियाँ कंसीव करने के लिए बहुत सारे प्रयास करती हैं, अपनी डाइट को चेंज करती हैं और मैं बहुत सारे सजेशंस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ समय समय से, क्योंकि कई बार हमारे शरीर में पोषण की कमी की वजह से हम गर्भधारण नहीं कर पाते, जबकि हमको कोई भी समस्या नहीं होती है इनफर्टिलिटी की। कई बार कुछ जटिल समस्याएँ होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, तो उन पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज हम एक खास बात करने वाले हैं, वो है कि ओव्यूलेशन के बाद और पीरियड आने से पहले का जो खास समय होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन पीरियड बोलते हैं, यही वो समय होता है जब महिला को गर्भ ठहरता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो गर्भाशय की दीवार से चिपकता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के समय छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसा अनजाने में हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा गर्भ स्थापित नहीं हो पाता और पीरियड्स के साथ ही हमको हैवी फ्लो आता है और मिसकैरेज हो जाता है हमको। बहुत लोगों को तो ये चीज़ पता भी नहीं चल पाती कि उनको मिसकैरेज हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी चार खास गलतियाँ लगभग सभी महिलाएँ करती हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि हमको करना क्या चाहिए। आइए चलते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का मानना ये है कि जब इम्प्लांटेशन पीरियड होता है तो हमको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहिए, हमको हैवी काम नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बात सच है? फ्रेंड्स, आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, आप कपड़े भी धो सकते हैं, आप घर का भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है, जो गलती आप करते हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं तो जॉगिंग ना करें, आप वॉक कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि कुछ ऐसा ना हो कि आपके पैर ऊपर नीचे पड़े और आपकी बॉडी को जर्क आए। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति और भस्त्रिका आप नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो कि शरीर को झटका देती है, शरीर में गर्मी पैदा करती है, आपके पेट पे झटका आता है, आप वो नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है वो भी हमने आपको बताया, साथ ही लेग अप द वॉल पोजिशन, जिसको हम विपरीत करनी आसन कहते हैं, वो आपको करना है। बटरफ्लाई आसन है वो आप कर सकते हैं, सीढ़ी आप चढ़ सकते हैं, लेकिन आपको भरी हुई पानी की बाल्टी लेके, बहुत सारा भारी सामान लेके नहीं चढ़ना है, और उठते बैठते समय आपको झटके से बचना है। तो हैवी काम, एक्सरसाइज, सीढ़ी चढ़ने, कपड़े धोने से संबंधित ये सलाह है आपके लिए। नंबर टू, कई महिलाएं कंसीव करने से पहले, ओव्यूलेशन से पहले बहुत ध्यान रखती हैं कि हमारा ओव्यूलेशन सही से हो और एग फर्टिलाइज हो जाए, लेकिन उसके बाद वो बहुत लूज हो जाते हैं, बहुत कैजुअल अप्रोच में आ जाते हैं। नहीं, आपको अभी भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, मल्टीपल विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपका हार्मोन स्टेबल रहे, अच्छे से हार्मोन्स बने, जिससे कि यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बने। तो आपको प्रोटीन भी अच्छे से लेना है, हरी सब्जियाँ भी अच्छे से लेनी है, दूध, दही, चीज़, पनीर, एग, ये चीज़ें भी अच्छे से लेनी है, साथ ही आपको अनार ज़रूर खाना है, चुकंदर, बीट रूट जिसको कहते हैं, वो ज़रूर खाना है, ओमेगा 3 के जो सोर्सेज होते हैं जैसे कि अखरोट है, फ्लैक्सीड है, थोड़ी मात्रा में अखरोट आप भिगो के खा सकते हैं, आप टोमेटो सूप ले सकते हैं, आप क्यूनोवा खा सकते हैं। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाइट में रखें, जिसमें कि आयरन है, जिसमें कि कैल्शियम है, मल्टीपल विटामिन्स हैं, तो इससे आपको इम्प्लांटेशन में शरीर को आप मदद कर पाएंगे। नंबर थ्री है आपके पैर और यूट्रस का रिलेशन। फ्रेंड्स, हमारे पैर के तलवे और हमारे यूट्रस का डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? क्योंकि हमारे खून जो है शरीर में घूम के वापस ऊपर की तरफ आता है, तो जब आपके पैर के तलवे ठंडे हैं तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में तो वो वहाँ से ठंडा होकर ऊपर की तरफ आता है, यूट्रस की तरफ, और कोल्ड यूट्रस इम्प्लांटेशन फेल कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ, प्रीवियस भी वीडियोस बनाए हैं इस सलाह से जुड़े, कि आपको अपने पैर के तलवों को ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद से पीरियड के पहले तक का जो समय होता है उसमें गर्म रखना है। अब आप स्लीपर पहन के रखिए, अब आप सॉक्स पहन के रखिए, अगर आप पूरे टाइम पहन के रख सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात को सोते वक्त वैसे भी फर्श से पैर नहीं टच करते और पैर गर्म ही रहते हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे हों तो आप ध्यान रखें कि आपके पैर के तलवे गर्म रहें, जिससे कि गर्भधारण के लिए टेम्परेचर मेंटेन हो सके यूट्रस का। इसके अलावा बेली बैंड के बारे में भी मैंने आप सभी को बताया है, जिसको जापानीज लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वेट लॉस के लिए भी फॉलो करते हैं, सर्दियों में भी फॉलो करते हैं, और कंसीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कॉटन का कपड़ा, जैसे टॉवल जैसा लंबा कपड़ा हो, आप उसको अपने पेट के चारों तरफ लपेट लें, गर्म पट्टी लपेटी जाती है
बिल्कुल उस तरीके से जिससे कि आपका पेट नाभि के नीचे का हिस्सा गर्म रहे। नंबर 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या इस समय हमें कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपके इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को हार्म कर सकता है, तो हमें उस समय कॉन्टैक्ट में भी नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 बातें हैं जिनमें आपको बताया है कि क्या चीज़ हमसे गलत हो जाती है और हमको करेक्ट क्या चीज़ें करनी हैं, हम उसका अगर ध्यान रखेंगे तो इम्प्लांटेशन सक्सेस होगा। IUI और IVF के बाद में भी जब इम्प्लांटेशन का पीरियड होता है तो भी सेम केयर हमको फॉलो करनी होती है। खाना पीना लाइफस्टाइल ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको फॉलो करके बहुत सारी सहेलियाँ कंसीव कर चुकी हैं, आप भी इनको फॉलो करके कंसीव कर सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। हम जल्दी मिलेंगे, आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।